हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जो है अमेज़ॉन पे एप्लीकेशन से डीटीएच के रिचार्ज को पे करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर दें। तो मैं अपना अमेज़ॉन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं और अमेज़ॉन पे से अगर दोस्तों आप डीटीएच रिचार्ज को पे करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैशबैक मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ़र यहाँ पे चलते हैं अमेज़ॉन पे एप्लीकेशन में। तो देखिए, हमारा अमेज़ॉन पे ओपन हो चुका है और यहाँ पर ऑफ़र चल रहे हैं, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे डिटेल्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। डिटेल्स रिचार्जेस पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑपरेटर है, जैसे कि टाटा स्काई, डिश टीवी, आप कोई भी जो आपका ऑपरेटर है उसको सिलेक्ट करिए। मेरा टाटा स्काई है तो मैं टाटा स्काई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको सब्सक्राइबर आईडी डालनी है, जो कि आपके सेटअप बॉक्स का अगर आप होम बटन दबाओगे, सेटअप बॉक्स के रिमोट का अगर होम बटन दबाओगे तो वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर आईडी शो होगी। मैंने पहले से ही कॉपी कर रखी है। अगर आपके पास सब्सक्राइबर आईडी नहीं है तो आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल सकते हो और उसके बाद आपको रिचार्ज का अमाउंट डालना है। देखिए, आपको कन्फर्म कर लेनी है कि सब्सक्राइबर आईडी बराबर है या नहीं है। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना है और आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हो तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्लेस ऑर्डर एंड पे पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है आपका आप अगर डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो तो आपका जो यूपीआई पिन होता है, आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा यहाँ पे। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा और जो आपकी जो ऑर्डर है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्लेस हो जाएगी। आपको थोड़ी देर में SMS आ जाएगा कि आपका जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप संतुष्ट हुए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।